देखिए, हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिनको जवाब आएगा वो हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। पहला हमारा सवाल ये है, हरा सोना किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड। ग्रास को? नहीं, ग्रास को नहीं बोलते। किसी और को आ रहा है? हरा सोना किसे कहते हैं? अपना अपना मत दीजिए, हो सकता सही हो जाए। मटर। जी मटर। मटर को? नहीं। पहुंच रहे हो आप लोग? देखिए, हम अगर किसी को उठाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। आप लोग खुल के बोलिए अपने। आप लोग को आ रहा है कुछ? खड़े होइए जी। आपका नाम? आंचल राज। आंचल जी, एजुकेशन लेने के बाद किस फील्ड में जाने का मन है? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनने का विचार है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो आपको पता है हरा सोना किसे कहते हैं? पेड़। क्या? पेड़। नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जल्द ही गुजरा है ना, सबने जानते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीतने वाले को कितनी प्राइज मनी दी गई थी, कोई बताएगा? अभी जल्दी गिरा खत्म हुआ है। जीतने वाले को कितनी प्राइज मनी दी गई? कोई? अच्छा, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? किसी को आइडिया? आप ही लोग के लिए है ये विश्व विद्यार्थी दिवस। देखो जो आ रहा है बोलो। हाँ, खड़ी जाइए, खड़ी होइए जी। आपका गुड नेम? आयुषी राव। क्या बनना है आपको? अभी तो कुछ सोचा नहीं। सोचिए ना, मैं बगैर सोचे रास्ते पर जाएंगे तो भटक जाएंगे। पहले ये डन क्लास तो पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा, बताइए, हम अभी 9th में हैं, 10th में जाएंगे तो किस सब्जेक्ट से लेंगे, बताइए? वही तो बेस्ट चूज होगा ना वहाँ पे। मैथ्स, साइंस वगैरह। तो क्या बनना है? इंजीनियर। वेरी गुड, मैंने हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी ऊँचाइयों को छू लाएंगे। चलिए, जवाब क्या है आपका? चिल्ड्रन डे। नहीं, विश्व विद्यार्थी दिवस। चिल्ड्रन डे जानते क्या होता है? हमारे नेहरू जी का जन्मदिन है ना। बैठ जाइए। हाँ जी, गुड नेम? अलीना दानिश। आपको क्या बनना है? सर, मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर। तो आपका आंसर क्या है? सर, 14 नवंबर। मैंने बोला विश्व विद्यार्थी दिवस, नो कि चिल्ड्रन डे। विश्व, हमारा चिल्ड्रन डे इंडिया में मनाया जाएगा। हाँ, वर्ल्ड स्टूडेंट इंडिया में मनाया जाता है ना ये चिल्ड्रंस डे। मैंने बोला वर्ल्ड। नहीं, देखिए, अपना मत रखना जरूरी होता है, वो सही है, बोलने की एक्टिविटी हमें देखनी है। ठीक है, थैंक यू। सवाल को चेंज किया जाए। हमारे बॉडी में जो किडनी होती है उसका वेट कितना होता है? एजुकेशन वाला ही सवाल रहता है मेरा भाई। आप तो डॉक्टर फील्ड में जाने वाली है ना, सोचिए। कुछ उधर से आ रहा है? नहीं, मैं आता हूँ फिर उसके बाद बोलेंगे आप जी। गुड नेम? महक अग्रवाल। महक जी, किस फील्ड में महकना है आपको, अपने आपको? मुझे एनजीओ खोलना है। एनजीओ खोलना है, तो आ जाइए, हमारे फील्ड आपके लिए ओपन है। ठीक है, तो क्या है आंसर आपका? 10 ग्राम। नहीं, 10 ग्राम नहीं है। बैठ जाइए, हम आपका वेट करेंगे। ठीक है, अपने एनजीओ में। अच्छा, आज तो पूरा वर्ल्ड मोबाइल यूज़ कर रहा है ना। किसी को कहेंगे कि वो कह रहा है मोबाइल नहीं, उसको झूठ बोलता है। वो कौन सी कंट्री है जो मोबाइल यूज़ नहीं करती? अजीब सवाल है एकदम ना। है कंट्री जो मोबाइल यूज़ नहीं करती? है
अरे हमारा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है कि घर पे जाके सर्च करें, जवाब मैं बताता नहीं हूँ। मेरा मकसद यही होता है कि घर पे भी जाके पढ़ाई हो। पता है मैं कभी जवाब दिया हूँ? नहीं देता ना। मैं क्या बोलता हूँ, जाके गूगल करेंगे करेंगे। उधर से देखिए, इतने लोग हैं, कोई कोई कंट्री बोलेंगे, कोई तो जवाब सही हो सकता है ना जी। गुड नेम, आपको क्या बनना है? सर अभी तो सोचे नहीं। सोचिएगा, चलिए आंसर बताइए। सर जो जंगलों में रहते हैं लोग, आदिवासी। मैंने देश पूछा है। देश पूछे हैं? हाँ, कंट्री। सर देश तो नहीं पता। चलिए कोई भी देश का नाम ले सकती थी आप, बैठ जाइए। अच्छा बताइए, पहला कटे तो भगवान का नाम, मध्य कटे तो फल, अंतिम कटे तो एक शहर बन जाए, बताओ क्या है? कौन सा वर्ड है वो, शब्द कौन सा है? पहला कटे तो भगवान का नाम बनता है, मध्य कटे तो फल, अंतिम कटे तो शहर बन जाए, जिला। अब तो ये बता सकती हैं ना आप लोग, गेस कर सकती हैं ना। हाँ, पहला अक्षर कटे तो भगवान का नाम बन जाए, मध्य कटे तो फल, अंतिम कटे तो शहर बन जाए। कुछ आइडिया आ रहा है? सर वो जब आदमी मर जाता है। खड़े हो जाइए। हाँ तो क्या कहना है आपका? वो जो आदमी मर जाते हैं फिर घाट पे जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे उनको क्या देते हैं? अंतिम विदाई देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उनका, दाह संस्कार करते हैं दोनों व्यक्ति को। तब तो हाथ ऊपर करिए आप ही। हाँ, अब उसको समझाइए बोर्ड पे आके। चलिए बड़ा सा लिखिएगा। बोलते हुए समझाइएगा, ठीक है? आराम, आ को काटेंगे तो राम बचेगा, फिर रा को काटेंगे तो आम, और माँ को काटेंगे तो आरा। आरा कहाँ पड़ता है? छपरा के पास बिहार में। गुड नेम क्या था आपका? अदिति यादव। अदिति यादव जी, तो ये मऊ लाइक की तरह से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, क्लैपिंग। इसको यहाँ रखिए, हमारा दूसरा भी रोल है, गिफ्ट पाने वाला कुछ बोलता है, कुछ सुनाता भी है। तो ये माइक आपका हुआ, और गिफ्ट पाके कैसा लगा? और ये प्रोग्राम और स्कूलों में होना चाहिए, और क्या बेस्ट है आपका, गाना सुनाना चाहते कुछ भी चलेगा। हाँ, प्रोग्राम अच्छा था आपका, और लेकिन आपको थोड़ा मौका ज़्यादा देना चाहिए था, जब मैं बोल रही थी तब तक आपका समय ही चला जा रहा था। तो समय इसलिए कि और बच्चों को चांस देना है। हाँ, तो अच्छा लगा बस। और ये स्कूल में प्रोग्राम अदरवाइज होना चाहिए। हाँ, एक्टिविटी अच्छी थी। अच्छी थी ना, तो कुछ बेस्ट जो आपके पास अपना है, शेरो शायरी कुछ भी चलेगा, या मोटिवेशन कुछ तो बोलना पड़ेगा। बनता है कि नहीं बनता गिफ्ट का? चलिए एक शायरी सुनाते हैं आपको। अच्छी आवाज़ में, ठीक है? एक बहुत फेमस शायरी है, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, और मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो तकदीर में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। थैंक यू।